तो पोलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक के बाद अब बोरिस तूफान ने इटली में कहर बरपाया है। तूफान की वजह से इटली में महज कुछ घंटों में जबरदस्त बारिश हुई है। सड़कों पर सैलाब तूफान मार रहा है। गाड़ियां पानी में छत तक डूबी हैं। रिहायशी इलाकों में मकान आधे डूब चुके हैं। आसमान से बरसी बारिश इटली में महज एक रात में बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर लेगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। 19 सितंबर की रात उत्तरी इटली के प्रांतों में बाशिंदे इत्मीनान से सो रहे थे। अचानक बारिश होने लगी। आसमान से पानी ऐसा बरसा कि लामोन नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए और पानी शहर में दाखिल हो गया। ये तस्वीरें इटली के एमिलिया रोमैग्ना की हैं। लामोन नदी इसी शहर के पास से होकर गुजरती है। ये बीती रात आई बाढ़ के कुछ घंटे बाद का ड्रोन वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है नदी का पानी तेजी से शहर में दाखिल हो रहा है। महज कुछ ही घंटों में शहर में 6 फीट तक पानी भर गया। पूरे शहर के लोग बाढ़ के बीच अपने घरों में कैद हो गए। ये अगले दिन सुबह की तस्वीरें हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी और उसमें डूबे मकान नजर आएंगे। इटली में अचानक आई बारिश की वजह से 4 प्रांत बाढ़ की चपेट में हैं। रेस्क्यू टीमों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। टीमें घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही हैं। कई जगहों पर सैलाब की रफ्तार अब भी बेहद तेज है। इन जगहों पर लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या दिल्ली में ट्रैफिक चालान पर 50% की राहत मिलेगी? 35% यस, 65% नो। क्या रिकी पॉन्टिंग कोलकाता टीम के कोच बनेंगे? 5% यस, 95% नो। क्या गौतम अडानी बनेंगे भारत के पहले ट्रिलियनर? 20% यस, 80% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। प्ले रिस्पांसिबली। टीएनसी अप्लाई।